हेलो दोस्तों, क्या आपके पास में ओल्ड लैपटॉप या डेस्कटॉप है और आप जो है विंडोज इंस्टॉलेशन कर रहे हैं, लेकिन जनरली अभी हम देख रहे हैं 2022 के बाद में सारे विंडोज जो है 64 बिट के आ चुके हैं और उसी तरीके से हम इंस्टॉलेशन करते हैं। इस तरीके के दो इशू आपको दिखाई देते हैं। जो यहाँ पे ये कोड दिखाई दे रहा है, ये कोड जनरेट हुआ था इंस्टॉलेशन के समय प्रेसिस वर्जन के अंदर में 2017 से में और 2013 और 2012 के अंदर में ये कोड ऑटोमेटिक इंस्टॉलेशन के टाइम दिखाई देता था। और अब जो है विंडोज 10 के अंदर भी इस तरीके का इशू आपको आ रहा है, जो अगर 2022-23 में आप इंस्टॉलेशन कर रहे हैं तो उसको सॉल्व कैसे करना है वो हम जानेंगे। आपके पास इस तरीके का लैपटॉप है, फिर आपके पास में ओल्ड लैपटॉप लिनोवो डेल का है, ये फिर कोई भी है टिशोक तोशिबा वगैरह का, तो आपको जो है इस तरीके से इंस्टॉलेशन करते समय एरर दिखाई दे रहा है। जैसा कि मेरे पास में जो है ओल्ड वर्जन का लिनोवो लैपटॉप है, जो यहाँ पे इंस्टॉलेशन के समय यहाँ पे एरर आ रहा है, विंडो सिस्टम विंड लोडर और एरर का नाम दिखाई दे रहा है और एंटर का बटन वहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। स्टार्ट में मैंने आपको बताया कि किस तरीके से एरर आपको शो होता है जब हम इंस्टॉलेशन करते हैं, तो अब यहाँ पे आपको जब इंस्टॉलेशन, तो बात याद रखनी है आपको कि यहाँ पे जो विंडोज इंस्टॉलेशन करना है वो आपको 64 बिट के बजाय 32 बिट का विंडोज इंस्टॉल करना है। चाहे विंडोज आप 7 इंस्टॉल करें, चाहे आप विंडोज 10 इंस्टॉल और USB ड्राइव के थ्रू, तो आपको करना यह है कि जब हम इंस्टॉलेशन शुरू करेंगे तो वहाँ पे आपको सिलेक्ट करना होता है। यहाँ पे मैं विंडोज 7 के थ्रू बता रहा हूँ, विंडोज 10 या 11 में भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे लोडिंग होने के बाद में आपको जो पहला वहाँ पे दिखाई देता है इंस्टॉलेशन का, उसके अंदर में आपको सेलेक्ट करना होता है विंडोज को, यानी आप जो है 32 बिट इंस्टॉलेशन करना चाहते हैं या 64 बिट का विंडोज इंस्टॉल करना चाहते हैं, जैसा कि ये मेरा लिनोवो लैपटॉप है। अब यहाँ पे मैंने 32 बिट इंस्टॉलेशन के लिए सेलेक्ट करना है और उसके बाद में विंडोज आपके कंप्यूटर या लैपटॉप के अंदर में इंस्टॉल होगा। यहाँ पे हम नेक्स्ट बटन पे क्लिक करते हैं। सबसे पहले नेक्स्ट विंडोज 7 के थ्रू मैं बता रहा हूँ, एक्टिवेटेड वर्जन मेरे पास में अवेलेबल है। अब जो है विंडोज एक्टिवेटेड सेटअप इज स्टार्टिंग दिखा रहा है, उसके बाद में एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा आपके लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप के ऊपर में। उस डायलॉग बॉक्स में देखिए नंबर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम है, यहाँ पे 86 और 64 दिखाया रहा है। 86 का मतलब ये है कि 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम अपने इंस्टॉल करना है। यहाँ पे मैं अल्टीमेट वर्जन को सिलेक्ट कर लेता हूँ 86 यानी 32 बिट्स का, और 32 बिट्स के इंस्टॉलेशन को यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। एंटर प्रेस कर देता हूँ मैं यहाँ पे। जैसे ही मैंने इंस्टॉलेशन के समय एंटर प्रेस किया, यहाँ पे चेक एग्रीमेंट का ऑप्शन आ चुका है। अब जो है मैं नेक्स्ट बटन पे क्लिक करूँगा। यहाँ कस्टम बटन पे क्लिक करने के बाद फर्स्ट जहाँ पे ड्राइव है वहाँ पे हमने जाना है। ड्राइव को पहले फॉर्मेट कर देना है, क्योंकि वहाँ पे 64 बिट की कुछ फाइल आ चुकी है इंस्टॉलेशन के समय, तो हम उसे फॉर्मेट करेंगे पे क्लिक करेंगे। जैसे हमने नेक्स्ट बटन पे क्लिक किया तो आपका जो कंप्यूटर है 1x1 इंस्टॉलेशन होगा, इस तरीके से आपका कंप्यूटर इंस्टॉल होगा। क्योंकि पूरा वीडियो आपको बता दूं इंस्टॉलेशन के, तो बहुत सारे वीडियो मेरे इसके अंदर में चैनल पे, उसे आप देख सकते हैं कैसे इंस्टॉलेशन करना है। ये देखिए आपका विंडोज इंस्टॉल हो चुका है, 32 बिट विंडोज आपके कंप्यूटर में आ चुका है। आप जो है हम यहाँ पे ड्राइव को भी चेक कर रहे हैं, ड्राइव भी हमारे पास में अवेलेबल है। तो दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट कर हमें जरूर बता दें कि आप किस शहर को बिलोंग करते हैं, क्या आप कंप्यूटर का नॉलेज लेना चाहते हैं, क्या आप टेक्नोलॉजी का नॉलेज लेना चाहते हैं।